मुरादाबाद जनपद में मुडा पांडे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आज महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुडा पांडे पर बृहस्पतिवार को पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मुडा पांडे डॉक्टर नवदीप यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया एवं स्वास्थ्य सजगता को लेकर सरकार की योजनाओं का बखान किया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से CHC पहुंचे रोगियों को मुख्य अतिथि द्वारा पोषण पोटली वितरित की गई। इस अवसर पर साइस्ता, चुरामल, पूर्णिमा, बाबूराम, रुकिया, बीना रोगियों को गोद लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुचेरिया ने कहा, TB रोग लाइलाज और छुआछूत बीमारी नहीं है, इसके लिए खान पान व रहन सहन पर अधिक ध्यान देकर पोषक तत्व वाले पदार्थों को अपने प्रतिदिन की खुराक में शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशरफ फार्मासिस्ट परवेज, वीरेंद्र कुमार, यासीन, कुलदीप कुमार, अवनीश मिश्रा, सुषमा बडोला आदि स्टाफ मौजूद रहा। आज मुंडा पांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6 रोगियों को जो उपचार रत 6 रोगी हैं उनको पोषण पोटली वितरण का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम माननीय राज्यपाल महोदया के आह्वान पर प्रारंभ किया गया। बाद में पूरे देश में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको लागू किया गया। इसका जो है उद्देश्य ये है कि जो भी 6 रोगी हैं दवा ले रहे हैं TB की, उसके साथ उसका खान पान पोषण भी जो है उचित रहे, जिससे वो जल्दी जो है स्वस्थ हो। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुना पांडे पर TB के मरीजों के लिए पोषण पोटली का वितरण यहाँ पर किया गया था। तो उसमें जो प्रोटीन चना है, गुड़ है, अन्य और भी सामग्री है जो TB के मरीजों के लिए दी गई है और जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा 500 रुपये प्रति माह उनको पोषण के लिए, खान पीन के लिए भी TB के मरीजों के लिए प्रति माह दिए जा रहे हैं।